सो हेलो पोकी फैंस, आप सभी का स्वागत है ग्लेजिंग से पोकेमॉन ग्लेज एपिसोड के अंदर। फिलहाल हम लोग चैलेंज करने वाले आज के एपिसोड में एलीट फोर को, वो भी टू नोट लीग के। लास्ट एपिसोड के अंदर विक्ट्री रोड भी क्रॉस किया, राइवल को भी हराया, उसके साथ साथ हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें की, प्लान किया कि एलीट फोर के खिलाफ क्या क्या यूज़ करना चाहिए। तो ज़रूर लास्ट एपिसोड चेकआउट करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। और पसंद आता तो लाइक करना, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सीधा अंदर घुसेंगे एलीट फोर को देखने के लिए। जैसे कि इस गेम में बताया गया था स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पे आपको कलर वाले एलीट फोर मिलने वाले थे। स्टार्टिंग में नहीं, विक्ट्री रोड जैसे क्रॉस किया हम लोग यहाँ पे जैसे घुसे तब बताया गया था कि कलर वाले मिलेंगे, ना कि पोकेमॉन टाइप के हिसाब से रहने वाले। इसका नाम है रोजेलिन और इसको पिंक कलर बहुत ही पसंद है, तो पिंक पोकेमॉन यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। ऐसे ही कलर वाले पोकेमॉन हम लोग को आगे भी देखने मिलने वाले हैं हर एक एलीट फोर के पास। इसके पास है फर्स्ट जो है वो है लिकिडन। प्रोटेक्ट यूज़ कर लिया तो अर्थक्विक ज़्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे विश अटैक जो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्योंकि विश से हमारी जो विश है मतलब एचपी है वो ज़्यादा से ज़्यादा पम्पटअप हो जाती है, पोकेमॉन की पम्पटअप मतलब हील हो जाती है। और अभी फिलहाल सर्फ अटैक करके हम लोगों ने लिक्विडंग को ही हरा दिया है। इतने सारे अटैक करने के बाद फाइनल लिक्विडंग हार चुका है। आ रहा है माइलोटिक, ग्रास ब्लेड को निकालेंगे, लिप ब्लेड यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक सीक्रेट वेपन माइलोटिक के पास आइस बीम था और इसने ग्रास ब्लेड को हरा दिया है। स्वैम्पथिंग यूज़ करेंगे, अर्थ की अटैक कर लेंगे, क्योंकि अर्थ की कभी ज़्यादा नहीं बचा है, हम लोग को पोकेमॉन का पीपी भी बचा के रखना पड़ेगा। और यहाँ पे अर्थ की अनदर टाइम यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद अर्थ की मारना पड़ेगा क्योंकि स्लोकिंग को सर्फ अटैक ज़्यादा नहीं बैठने वाला है। यहाँ पे अनदर है वो है ब्लीसी, तो ब्लीसी को हम लोग अर्थक्विक से ही हरा देंगे। इसके साथ एक सिंगल केओ से हम लोग ने ब्लीसी को हरा दिया, क्योंकि ब्लीसी का एचपी सबसे ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू चेंसी और ब्लीसी का, तो उस हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा। चेंसी को भी हरा दिया, रोजेलिन को हम लोग ने हरा दिया, तो फर्स्ट एलीट फोर यहाँ पे डिफीट हो चुकी है। और अभी हम लोग आगे जा सकते हैं नेक्स्ट एलीट फोर को डिफीट करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं कुछ देना चाहूँगा, ईथर एलिक्सर देना चाहूँगा अर्थक्विक को। उसके साथ साथ हम लोग जाएंगे रिवाइव करेंगे हमारे ग्रास ब्लेड को और फुल स्टोर भी दे देंगे ग्रास ब्लेड को, क्योंकि उसकी ज़रूरत होगी नेक्स्ट बैटल्स के अंदर भी। उसके साथ साथ हम लोग स्वैम्पथिंग को भी ये सारी चीज़ें देने वाले हैं। स्वैम्पथिंग को रिवाइव देने की जरूरत नहीं, लेकिन हाइपो पोशन या फिर हम लोग फुल स्टोर दे देंगे। इसके साथ हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कलर को देखने के लिए, नेक्स्ट कलर कौन सा होने वाला है। मैं बेसिकली सेव कर रहा हूँ एलीट फोर्स को हराने के बाद एक एक, वो भी हम लोग फाइनल में जाकर सेव करने वाले। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता के रखी है सीरीज़ के अंदर, तो ज़रूर चेकआउट करना पूरी की पूरी सीरीज़। और अभी मैं फिलहाल सोच रहा हूँ चैम को आगे लाऊं, क्योंकि स्वैम्पथिंग फर्स्ट लाया था मैंने, थोड़ा सा एचपी डाउन हुआ हर एक का, तो वो नहीं चाहता। फिलहाल पर्पल कलर है उसके पास, है ड्रैपियन और इसका नाम है मैग्नस। तो सेकंड एलीट फोर मैग्नस, जिसको पसंद है पर्पल कलर, तो इसके बाद सारे पर्पल पोकेमॉन देखने मिलेंगे। फर्स्ट पोकेमॉन जो आएगा वो है आर्बॉक, और उसको हराने के लिए हम लोग फ्लेम थ्रो यूज़ करने वाले हैं। आर्बॉक चला जा चुका है, नेक्स्ट पोकेमॉन आ रहा है वो है मिनपिशू, और वो भी चला जा चुका है। नेक्स्ट पोकेमॉन आ रहा है ड्रैपियन, और उसको फ्लेम थ्रोअर से हराएंगे, लेकिन ड्रैपियन इसका मेन पोकेमॉन है, तो थोड़ी देर के लिए जरूर रहने वाला है, फुटेज खाने वाला है बंदा। फ्लेम भी यूज़ करेंगे, ड्रैपियन को भी हरा देंगे। नेक्स्ट आ रहा है गेंगार, और गेंगार को डिफीट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर हो सकती है हम लोगों को। इसके साथ हम लोगों ने गेंगार को भी डिफीट कर दिया। आ रहा है सेबलाई, फ्लेम थ्रोअर यूज़ करेंगे, सेबलाई को भी हम लोगों ने डिफीट कर दिया है। पाँच ही पोकेमॉन थे शायद इसके पास, उसके वजह से जल्दी हार गया। मैग्नस को हम लोग ने हरा दिया सेकंड एलीट फोर। अभी दो चीज़ें करनी है, फ्लेम थ्रोअर को हम लोग को एलिक्सर इतर देना ही पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं देंगे क्योंकि अभी एक ही एलिक्सर बचा हुआ है, किसको दूंगा पता नहीं। लेकिन फिलहाल हम लोग हाइपो पोशन दे देंगे हमारे चैम को। अच्छा खासा डिसीजन था चैम को आगे लाना, यूज़ करना ये पहले कर देना चाहिए था मुझे, लेकिन जो मैंने किया नहीं। आयन देंगे हम लोग हर एक पोकेमॉन को, जो जो आयन बचा हुआ है, जो लेना चाहता है डिफेंस ना पक्का करना चाहता है उसको दे देंगे। एचपी अब देना चाहता हूँ ग्रास ब्लेड को, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ही जल्दी एचपी चली गई उसकी। जिंक देना चाहता हूँ स्वैम्पथिंग को, लेकिन ले नहीं रहा है, तो मेटल को दे देंगे कार्बोस से, जिससे करके हमारा जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा, तो फ्लाइंग टाइप को अच्छा रहेगा वो। और कैल्शियम जो स्पेशल अटैक बढ़ाने के लिए अच्छा है, तो हम लोग स्पाइके को देने वाले हैं। इसके साथ सारी चीज़ें तो हम लोग ने बांट ली है। और अभी मैं सेकंड एलीट फोर को हराने के बाद, मैंने ऊपर से तो सेव कर ही लिया है, नीचे से भी सेव कर लेते हैं मेन फाइल में जाके, अभी सेव कर ले गेम को और चलते हैं सीधा बैटल करने के लिए हमारे नेक्स्ट एलीट फोर के साथ, जिसका कलर होगा तो ऑरेंज। और जैसे कि मैंने बोला था जब मैं कल के एपिसोड में आइस बीम सिखा रहा था किसी एक पोकेमॉन का, तभी मैंने बोला था कि ड्रैगनाइट होगा ही, ऑरेंज कलर होगा ही, तो अभी आइस बीम सिखाना पड़ेगा दूसरे बंदे को, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा ना प्रॉब्लम लग रहा है कि मेटल शायद से यूज़ नहीं कर पाएगा प्रॉपरली आइस बीम। तो फिलहाल हम लोग अर्थक्विक हटा सकते हैं, क्योंकि अर्थक्विक का टीएम भी है, उसको रीलर्न भी कर सकते हैं, और डाइव अटैक तो नहीं हटेगा क्योंकि वो एक अच्छे मूव है, जो मैंने लास्ट एपिसोड में सारी चीज़ें आपको बता दी थी। उसके साथ साथ अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, तो आपको डेफिनेटली लाइट प्लेटिनम के एपिसोड भी पसंद आएगी, वो सीरीज़ मैंने कंप्लीट कर दी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। स्वैम्पथिंग को अभी फिलहाल हम लोग अर्थक्विक निकाल देंगे और उसके जगह पर आइस बीम सिखा देंगे। और मेटल के लिए फिलहाल तो दो तीन चीज़ें हैं, वो बाद में ही देख सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग ड्रैगनाइट के पोकेमॉन टाइना को, टाइना नाम था उसका भाई, सही पढ़ा है मैंने, और ये तानिया होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तानिया
ओके तानिया ही हो सकता है प्रोनाउंसिएशन, लेकिन यहाँ पे टैनिया लिखा हुआ है, लिटफुट तानिया यहाँ पे बैटल करने वाले हैं। सर्फ अटैक जरूर यूज़ करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है सर्फ अटैक फ्लूटजेल के खिलाफ, लेकिन हम लोग डेफिनेटली ये चीज़ करने वाले। और ऊपर से भाई 12वां मतलब फुल रिस्टोर मारा है इसने, 7.5 ही लगी पड़ी है मेरे पीछे, और इसके साथ फ्लूटजेल को हम लोग ने हरा दिया है। और इसी के साथ चैंप आने वाला है, तो चैंप को शिडिंजा को हराने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। फ्लेम थ्रो यूज़ करेंगे, ड्रैगनाइट आ रहा है, ड्रैगनाइट को हराने के लिए हम लोग को एक वन हिट की क्यू की ज़रूरत है प्रॉपर आइस बीम की, उसके लिए ड्रैगनाइट को थोड़ा सा हम लोग को डाउन करना पड़ेगा। और यहाँ पे अर्थवीक होते हुए थंडरबोल्ट अटैक इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा वीक कर दूंगा ड्रैगनाइट को। आइस बीम अटैक यूज़ कर लिया और स्पाइकी का काम थोड़ा सा हो चुका है यहाँ पे, और आइस बीम अटैक यूज़ कर लेंगे। इसके साथ हम लोगों ने ड्रैगनाइट को हरा दिया है। नेक्स्ट पोकेमॉन जो आ रहा है वो है इंफोमैप, सर्फ अटैक यूज़ करेंगे, इंफोमैप को भी हरा देंगे। नेक्स्ट पोकेमॉन जो आने वाले वो है आर्कैनाइन, सेम टू सेम सर्फ अटैक यूज़ कर लेते हैं, आर्की को हरा देते हैं, और इसके साथ हम लोगों ने तानिया को हरा दिया है। तो थर्ड एलिट फोर डेफिनेटली यहाँ पे पूरी की पूरी हार चुके हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉज हो सकता था अगर ड्रैगनाइट बच जाता तो, लेकिन ड्रैगनाइट यहाँ पे पूरा का पूरा चला गया। नेक्स्ट और लास्ट एलिट फोर बचा हुआ है, उसके बाद होगा चैंपियन, तो काइंड ऑफ क्लोज है टू नोड लीग चैंपियनशिप के, और उसके बाद भी शायद से कोई रीजन हो सकता है, तो ज़रूर रीजन होगा ये से मुझे लग रहा है, क्योंकि गेम इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। रिवाइव करेंगे हम लोग स्पाइकी को, जिसने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की। एक्चुअली इसका नाम स्पार्की रखने वाला था, लेकिन बाद में सोचा स्पाइकी रख देते हैं। और कुछ ऐसे निकनेम्स भी है जो देना चाहता हूँ मैं, लेकिन अभी बाद में दे दूंगा, क्योंकि उसके लिए निकनेम सेरेमनी का मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, लेकिन हर एक बंदी के लिए निकनेम नहीं आया है, खाली 2-3 बंदों के लिए निकनेम आया है, तो वो चीज़ तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे जब हम लोग न्यू रीजन की तरफ चलेंगे, जो डेफिनेटली इसके अंदर होने वाला है। अर्थवीक सिखाने वाला है स्वॉम थिंग को, और जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है शायद से अगला फोर वाला फोर जो हो उसके सारे पोकेमॉन 6 के 6 अगर ज़मीन पे हो तो। इसके साथ भाई ये तो होना ही था भाई, तो सिल्वर कलर है नेक्स्ट, और जैसे मैंने बोला था ज़मीन पे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्कारमरी है उसके पास, तो ग्रे नाम है उसका, सिल्वर ग्रे जो भी बोल लो। और ग्रे पोकेमॉन होने वाले सारे के सारे लगता है कि फ्लाइंग वाले, लेकिन ग्रे मोस्ट प्रोबेबली स्कारमरी है, एग्रॉन है, उसके साथ साथ ज़ोरॉक कौन सा ग्रे हो गया भाई, ज़ोरॉक तो पूरा ब्लैकिश थोड़ा डार्क ब्लैक है, ग्रे नहीं है ये, और स्कारमरी को हम लोग ने यहाँ पे फ्लेंथ्रोर से हरा दिया है। तो चैंप यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, मा चैंप हो सकता है ग्रे भाई, लेकिन ज़ोरॉक मुझे लगा नहीं था ज़ोरॉक की इतना ज़्यादा ये लोग हाइप करेंगे और उसको ग्रे में डाल देंगे। एग्रॉन को हम लोग ने फाइनली यहाँ पे हराने वाले थे, लेकिन इसने बीच में उसने फुल स्टोर यूज़ कर लिया है और फ्लेम थ्रो मारेंगे एग्रॉन को, इसके साथ एग्रॉन हार चुका है। नेक्स्ट है माइटी है ना, तो माइटी ने प्रॉब्लम हो सकता है उसका जो स्किन बॉडी मेन है बाल छोड़ दे तो वो ग्रे में आता है, और यहाँ पे सर्फ अटैक यूज़ करेंगे। माइटी को हम लोग ने यहाँ पे हरा दिया है, फाइनली हम लोग ने एलिट फोर ग्रे को हरा दिया है, तो अभी बचा है द वन एंड ओनली द चैंपियन, ठीक है। तो बहुत सारे पोकेमॉन्स मिले, तो इतने सारे पोकेमॉन्स हम लोगों ने जो इन्वेस्ट किए हैं उसका आप लोगों को प्रॉफिट होने वाला है। नेक्स्ट है द चैंपियन, चैंपियन के खिलाफ बैटल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सेम टू सेम हमारे पोकेमॉन को थोड़ा सा रेस्ट देंगे, रिवाइव देंगे, फुल स्टोर्स देंगे, हाइपर पोशंस देंगे, और बाद में सोचेंगे कि एलिक्सर किसको देना है। मुझे लगता है एलिक्सर कंफर्टेबली चाहता है चैंप, और चैंप ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसका फ्लेम थ्रो खाली 2 बचा है और साइड बाय साइड सर्फ 3 ही बचा है, तो सर्फ अगर लगता भी है तो भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वाटरफॉल और डाइव जैसे अटैक है। तो मैं फिलहाल सोच रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग एलिक्सर दे सकते हैं वन एंड ओनली चैंप को, जिसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, मतलब बाकी सारे पोकेमॉन से भी मेहनत की है, लेकिन चैंप के लेवल इतने ज़्यादा बढ़ गए थे इस पूरे पूरे टूर्नामेंट लीग के अंदर, तो उसके वजह से वो फटाफट से हरा पा रहा था सारे पोकेमॉन्स को। सेव कर लेंगे गेम को, और आज के एपिसोड में यहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बैटल करने वाले द वन एंड ओनली चैंपियन प्लेग के साथ, जिसके साथ हम लोग घूमे नाचे गाए और उसके साथ हम लोग ज़रूर बैटल करेंगे। एपिसोड आज का पसंद आया तो लाइक करना, सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रिकॉर्डिंग के टाइम पे मच्छर काट रहे पैर में और इतनी मेहनत कर रहा होगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, उसके ऊपर भी पोकेमॉन कंटेंट आने वाला है, उसके लिए मैं सजेशन का वेट कर रहा हूँ। तो भाई जल्दी से यहाँ की पब्लिक वहाँ पे भी थोड़ी चली जाओ और वहाँ पे भी फॉलो कर लो मुझे, और यहाँ की पब्लिक थोड़ी सी बढ़ जाओ, मतलब अगर हम लोग को जितना ज़्यादा मुझे जितना ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए मैं लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम से ग्लेजिंग से ग्लेज एपिसोड के अंदर, जो हो सकता है टूनोड लीग का फाइनल, लेकिन नॉट अ टूनोड रीजन का, क्योंकि टूनोड रीजन के कुछ एपिसोड्स बाकी है, मतलब कुछ चीज़ें बाकी है जो मैंने सर्फ से कंप्लीट नहीं किए थे, तो उसको भी देखेंगे और कुछ मिस्टीरियस चीज़ें भी आगे देखने वाले। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।